होना है। आपने किसी किस्म के क्लैशेस नहीं करने हैं। हमारी कानूनी टीम एक रास्ता तलाश कर रही है और कुछ ही देर में इमरान खान साहब इसका ऐलान करेंगे जैसे ही वो मुशावरत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि कंटेनर लगा के हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करके इलेक्शन से पहले, तारीख आने के बाद भी इलेक्शन से पहले मुतनाज़े निगरान वज़ीर आला लगा के और उसे डिक्टेशन दे के रैलियां जुलूस नहीं होने देनी, जमहूरियत को मुंजमद कर देना, अगर ये समझते हैं कि ऐसे तहरीकें रुक जाती हैं तो फिर इनको तहरीकों की समझ नहीं है, फिर इनको सियासत और तारीख का पता नहीं है। इमरान खान का खौफ आज इनके आसाब पर भारी हो चुका है। शदीद आसाबी दबाव का ये निगरान वज़ीर आला और राना सनाउल्ला इस वक्त इसके असर में। और आप देखें कि आज पूरा लाहौर बंद कर दिया, खुद ही बंद कर दिया पूरा लाहौर, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान बब्बर शेर जमान पार्क से निकलेगा तो सारों की कांपें टांग। तो मेरे दोस्तों साथियों, मैं कारकुनों को एक बार फिर कहूँगा कि आपने मुश्तइल नहीं होना है। इमरान खान के इशारे का, इमरान खान के की हिकमत अमली और इंस्ट्रक्शंस का आपने इंतज़ार करना है। कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लेना है किसी भी तरह से। आप पे अगर वो हमला भी करें तो आपने मुश्तइल नहीं होना, हमारी कानून और आइन की जद्दोजहद है। और अलबत्ता कि ये लोग जो हम पे मुसल्लत हैं, ये गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने बैलेट का रास्ता अपनाना है। और वही मैंने आपको बता दिया, हमारे कारकुन कानून और आइन को किसी सूरत अपने हाथ में नहीं लेंगे। इमरान खान साहब अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तौहीन अदालत की है, कोर्ट के हुक्म के बावजूद, इलेक्शन की डेट आने के बावजूद इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मुअत्तल करना ये तौहीन अदालत है, ये जमहूरियत को मुअत्तल करने के मुतरादिफ़ है और इसकी इनको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। जितनी देर इमरान खान साहब की कानूनी मुशावरत ख़त्म नहीं होती, हमारे कारकुन मुश्तइल ना हो, कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लेना है आपने और हर हालत में पूरा मन रहना है। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज विमेंस डे के ऊपर मरियम और उनके हवारी टोले की तरफ से ये जो खवातीन को तोहफा दिया जा रहा है, पुरमन सियासी खवातीन को, ये तारीख में स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। जैसे हमार भाई ने सारी बात करती है और हम मुजम्मत करते हैं खवातीन के ऊपर शैलिंग, और अभी ये जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल माल रोड के ऊपर इन्होंने अभी हमारी औरतों के ऊपर शैलिंग भी की है, उनके ऊपर तशद्दुद भी की है, और ये कैसे लोग हैं हमारे ऊपर मुसल्लत। हम तो आज सिर्फ रैली निकाल रहे थे, वो भी इलेक्शन के चक्कर में, बाकी सारी अपनी जो भी हमारा फैसला होता है उसे हम थोड़ी देर में